बिल्कुल हमेशा डिस्कस होते रहते हैं अलहमदुल्ला, ये छोटे छोटे चीज़ों में यूज कर गया मेरे खास तौर से, लेकिन मेरे हिसाब से जुबान हाँ जुबान नहीं, लेकिन ठीक है अगर तुमको ऐसा है कि जबान है तो जुबान है, तो आपने तहकीक की क्या जी डिक्शनरी उठाई मेरी तो सही है ना, यूट्यूब पर चले जाइए, नेट पर चले जाइए, गए क्या नहीं गए सही ना। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने जो बोले मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ये बात मेरे सीनियर आयुब सर है, मैं खासतौर से ये सिलसिले में आपने जो जुबान है कि जबान है ये सिलसिले में हमेशा मालूम देते रहते, मुझे नहीं मालूम रहा था, रिसर्च करने की कोशिश करते अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त बात बोले सर आपने कि ये चीज होना है, चौथी पहली दूसरी तीसरी चौथी की बच्चों को अगर सिखा दी जाए तो ये गठड़ी लेके वो समाज में जाएगी, बेशक आपकी किताब आ आदम फलाना ढमाका कुछ नहीं, सही सही ये गठी लेके जाएंगे कि जबान लफ्ज है कि जुबान सही है। अब सुन लो कि जबान भी सही है और जुबान की सही, जबर से भी सही है और पेशे से, और ये मेरी तहकीक है जी जी, मैंने इस पर पढ़ा है जी, मैंने डिक्शनरी संभाली है, फरंगियां देखी है, उसकी बेस पर कहते हैं जी। ये तो आप क्या आई अकोला में, मैंने कितने हजार टीचर बैठे थे मेरे सामने उर्दू पढ़ाने वाले, नहीं दे सकते वो, मैंने भी जुबान आपने पूछे ना तो खासतौर से हिंदी की नज़र में रखा तो जो करते हैं उसको वो हिसाब से जुबान मैंने आपको बोला, जुबान जबर से बोलता है हाँ, लेकिन फरंगी आस्तियों में आप देखेंगे ना तो वहाँ पर जबर पेश दोनों बता रहा है, जबर पेश दोनों सही बोलता है, आप नूरुल्लुगात देखेंगे तो वो पेश से बोलता है, और इस पर मैंने जो है बड़ा मकाला पढ़ा तहकीकी मकाला जी राज बहादुर बोड़ का आज से 10 साल पहले, उसमें उन्होंने सब का हवाला देकर और फिर आखिर में नतीजा कस किया था कि जबान की सही है और जबान की सही है। इसी तरह अल्फाज हैं जैसे फिजा है हाँ, फजा है नहीं ये तलफ्फुज तो तलफ्फुज में बहुत ज्यादा बहुत सारे हैं, हम हमेशा में सर हम अभी मतलब उंगली से थोड़ा आगे आए मुझे लगा कि कोई लफ्ज समझ नहीं आ रहा लिख के लाता, देखो मैंने लाए लिखा यहाँ सवाल है यहाँ सैद है यहाँ पर है कौशन है चाला, आप डिक्शनरी से चेक करो मानी क्या है 36 मुझे लाइक ग्रुप में 33 36 हमजा क्या है उसमें हमजा शामिल है क्या 36 में हमदार मारनी है छोड़ के मतलब तो सवाल हुरूफ ए तहजीब 36 जी हमजा अलामत है अलामत है हुरूफ ने हुरूफ ए असली मतलब वावेन और जैसे अलीफ वाव ये जहाँ पर डबल अगर अलीफ आए तो एक जगह फिर जैसे आए अलीफ मत दो अलीफ बोले और फिर तीसरा भी अलीफ आए तो वहाँ पे हमजा का आ जाता है एक ही जगह अलीफ ये एक हम लोग जो काम करते हैं ना वो तीन टाइप का काम होना चाहिए, एक तो पढ़ाता है हम लोग आजकल पढ़ाते हैं उसे सिखाना चाहिए, हम लोग सिखाते हैं किताब हम पढ़ा देते हैं लेकिन किताब में जो जिस्ट है वो हम बच्चों को नहीं देते तो सिखाते नहीं आते हैं, और दूसरी बात ये कि उनको हमें तरबियत नहीं आती, तालीम और तरबियत का रस खत्म हो गया है, तरबियत का तरबियत होनी चाहिए तो हमने कहा हम आपने स्कूल में तरबियत करते बच्चों जैसे जैसे एक है चाइनीज प्रोवर्ब है तो उसमें वो कहता है कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा लेकिन मैंने करके देखा प्रैक्टिकली तो वो मैं समझ गया। अरे सर तो हम लोग आजकल पहले जो टीचर्स थे वो सिखाया करते
हमें सिखाते हैं, हमने सबक पढ़ा पढ़ाते करके छोड़ दिए, ये नहीं। यानी आपने कहा सर आप पढ़ाते सिखाते नहीं और तरबियत नहीं करते, पढ़ाते हैं तो यूँ समझ लो कि आप अपनी रोजी रोटी जो है वो हलाल नहीं, आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं सिखा रहे नहीं, सिखा नहीं रहे तरबियत नहीं। तो ये जो है हमजा ये अलामत ये बच्चों को मतलब छोटी क्लास में बता देना चाहिए, ग्रुप में तहजीब इतने शक्ति हमारे यहाँ बच्चे का हाँ अलामत है। दो चश्मी है जो है वो हमारे हरूफ तहजीब में शामिल नहीं है, हिंदी की आवाज़ है और ये हिंदी अल्फाज के साथ हमारे पास आई है प्रूफ के साथ ख घ न ठ ड 15 हरूफ है सर, ये अकारी आवाजें हैं, क्या है अकारी आवाजें हैं, ये बच्चों को बता रहे कि 15 अकारी आवाजें हैं। फिर हम तो बच्चों को बताते मनकुता हरूफ कितने हैं, गैर मनकुता हरूफ कितने हैं, मनकुता फोकानी कितने हैं, मनकुता तैथानी कितने हैं, मनकुता वस्तानी कितने हैं। अभी देखना भाई आप ये कुरान लिख रहे हैं जी, उर्दू में जो लिखा जाता है वो तो किताबत को क्या बोलते हैं, खतत, खतत तो बोलते हैं लेकिन किस किस्म की, खुशनवी से बोलते हैं लेकिन किस किस्म की, उसमें किस्म है आप जो लिख रहे हैं वो अरबी है जी, उर्दू में लिखी है नस्तारी, नस्तारी जो किताबत है वो नस्तारी। अच्छा उर्दू ये लफ्ज जो है ये किस जबान का लफ्ज है, फारसी का है, तुर्की, तुर्की तुर्की सॉरी यूनानी में, इसका मतलब रस्म है खान उर्दू का तो कोई वजूद ही नहीं है, तरी जबान से नहीं, उसका रस्म है खान कहाँ से लिया, यूनान दाएं से बाएं लिखा जाता है, यूनानी मेरे ख्याल से फारसी, फारसी ये याद सर भाई बच्चों को याद कराओ, बिल्कुल आपकी इधर लफ्ज है जी अरबी से लिया गया, ड्रामा जो है यूनानी लफ्ज है यूनानी से लिया गया। ये जो चीजें हैं ना ये बच्चों को अगर आपने पहली से चौथी तक सिखा दिया तो समझो आपने अपना काम कर दिया। इतनी बातें जो है वो हाई स्कूल के टीचर को जूनियर कॉलेज टीचरों को नहीं मालूम, मुझे लगता है कि बहुत बुरी बुरी बात है क्योंकि हमारे पास जो डीएड बीएड भी आ रहा है वो भी नहीं मालूम। मैंने एक एमए बीएड को पूछा था ये उर्दू है किस जबान का लफ्ज और इसका रस्म का कौन सा है, नहीं मालूम, तो मेरे को उस पर बुकलेट निकाली ग्रूफ शनासी देखो मिलेगा ग्रूफ के बारे में सब। मेरा कहने का मतलब कि टीचर जो है हमारे उनको उनको नॉलेज दी, मैं सीनियर जूनियर किसको मानता हूँ, तुम बोल रहे अयुब मेरा सीनियर, मैं सीनियर उसको मानता हूँ जिसकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। नहीं मैं वो ये भी और एक बेसिक में आपको बता नहीं बेसिक टीचर बेस्ट क्वालिटी का जो टीचर होगा उसका बेसिक पॉइंट ये है कि उसकी मालूम उसके बच्चों के मालूम से 10 गुना ज़्यादा होगा, 10 गुना। इसलिए सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, महासेवा करना चाहिए, खुद एहतसाबी करना चाहिए, मेरी मालूम मेरे बच्चे से 10 गुना ज़्यादा है कि नहीं है। नहीं तो हम क्लास में गए बच्चे ने एक सवाल पूछा और हमने उसको डांट पिटक के बढ़ा दिया, नहीं मालूम। इसलिए प्राइमरी लेवल के जो रहते हैं स्टूडेंट उनको ज़्यादा सवाल रहते हैं, इसलिए उनको पढ़ाने वाला डॉक्टरेट होना चाहिए, बेसिक सबसे अच्छा वो टीचर है जो प्राइमरी को पढ़ाता है लेकिन वो उनको सिखाता है, वहाँ से उसने कुछ देना चाहिए बच्चों, सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जो खोली वो मुसलमानों की तालीम के लिए खोली ये सब ये मानते हैं लेकिन मैंने इसलिए खोली कि ये यूनिवर्सिटी जो है हलाल रोजी का एक जरिया होता है और याद रखो सर हलाल रोजी ही जन्नत में ले जाएगी। लेकिन वो लेसन देने का उसके राइटर का मकसद ये है कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक पर अगर लेसन है तो ठीक है ना आप पहले दिन पढ़ के बता दीजिए, दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चों से पढ़वाइए कि उनको पढ़ना आता है कि नहीं आता उर्दू, वो एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि भाई अब आपने पढ़ा दिया अब सिखाना क्या है आपको, सिखाना ही मैं पांचवी क्लास में फिर लेसन लेके बताया सिखाना ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का अगर जिक्र आ गया तो इसका मतलब है कि चारों खुलफाए राशिदीन का आपको बताना है बच्चों को, अगर गारे सौर का जिक्र आया
तो गारे हीरा का भी जिक्र आपको करना है। अच्छा, फिर बताना है कि गारे सौर किस पहाड़ पर वाक्य है, किस पहाड़ पर है? गारे सौर जबले और दूसरी गार जो है वो गारे हीरा है, किस पहाड़ पर वाक्य है? मतलब कहने का क्या, अभी टीचर की जो नॉलेज है 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ये सब आप बताओगे। फिर गारेसौर में कौन कौन छुपे थे, फिर गारेसौर में खाना कौन ला के देता था, गारेसौर में दूध कौन ला के पहुंचाता था, गारेसौर मक्का से कितनी दूर है, गारे हीरा मक्का से कितनी दूर है, इतनी स्टोरी आप बता देंगे बच्चों को तीसरे दिन। ये स्टोरी बच्चों के जहन में रह जाएगी और जिंदगी में उसको नहीं बोलेंगे तो समझो आपने सिखा दिया। सिखा दिया यानी सबक पढ़ाने के हद तक पढ़ा दिया, सिर्फ सबक पढ़ा दिया समझो, लेकिन उसके साथ उसकी स्टोरी, हां पस मंजर पूरा पेश उसको जब तक कहानी कहानी बना के बनाना है कि भाई ऐसा 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 सही है। ये जो चीजें रहेंगी किताब में नॉलेज नहीं वो भी देना है, नहीं सबक जो लिखता है ना आदमी, सबक में अगर उसने नीला रंग लिख दिया आसमान नीला है, मतलब ये कि वो चाहता है कि आप सात रंग बताएं, बताएं बच्चों को, इसका मकसद ये कि आप सात रंग बताओ उनको बच्चों को, तो इसका मतलब है कि आपने सिखाया है, सही है, तो आपने पढ़ा दिया, आसमान नीला है, आगे बढ़ो, ये मेहनत। दुनिया की कोई भी जुबा हो तो हर जुबा का अपना ये होता है, एक अलग नज़रिया होता है दुनिया की तरफ देखने का, इसलिए उर्दू यदि आने वाले कल में ख़त्म हो रही है या कोई भी लैंग्वेज जो है वो ख़त्म होती है, तो उसमें जो सदियों से जो उसमें विजडम होता है, वो जो नॉलेज होता है, वो जो ज्ञान होता है, वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आज उर्दू भी संकट में दिख रही है, तो आप क्या सोचते हैं इसमें? ऐसा है कि सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि ये जो इलाकाई ज़ुबानें हैं, मराठी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, हिंदी हो, ये इलाकाई ज़ुबानें भी आजकल संकट से गुजर रही हैं। अब आप उर्दू का अगर कहेंगे तो उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि एक तहजीब है, एक कल्चर है, और इस्लाम मज़हब का लिटरेचर तमाम का तमाम उर्दू ज़बान में लिखा हुआ है। अगर इत्तेफाक से उर्दू ज़बान को ख़तरा हो गया या उर्दू ज़बान धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तो समझो कि जो इस्लामी लिटरेचर है वो नई नस्ल तक नहीं पहुँचेगा, वो अपने मज़हब से दूर हो जाएंगे, और दूसरी बात कि वो अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे। जब कल्चर से दूर हो जाएंगे तो फिर वो कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, IAS ऑफिसर हो जाए, IPS ऑफिसर हो जाए, वो कल्चर्ड नहीं होंगे, और कल्चर्ड नहीं होंगे तो अपने माँ बाप को वो इज्जत की नज़र से नहीं देखेंगे, उनकी नज़र में सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, मोटी कमाई होगी, लेकिन उनके पास मैनर्स नहीं होंगे, एटिकेट्स नहीं होंगे, और वो प्रोफेशनल हो जावे उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, और ऐसा हो जाना जो है वो समाज के लिए खतरा है। कोई भी ज़ुबान हो उसमें जब हम पढ़ाते हैं तो उसका मकसद होता है कि वहाँ से जब बच्चे बाहर निकले स्कूल से, तो वो बच्चे अपने समाज की, अपने सोसाइटी की इस्लाह का ज़रिया बनना चाहिए, वो बच्चे जो हैं उनको देख कर समाज की जो नई नस्ल है उसने इस्लाह लेना चाहिए, सुधार उनमें पैदा होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ और उसने यहाँ से निकलकर तालीम पाकर इंडिविजुअल तरक्की की तो उसको इंडिविजुअल फ़ायदा होगा, समाज को, माशरे को, सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हुआ तो समझो कि तालीम का जो मकसद है, जो एम है, वो पूरा नहीं होगा। दुनिया के जो भाषा शास्त्री है उनका यहाँ तक कहना है कि भाषा का मरना बोले तो वो संस्कृति का, तहजीब का मरना, और एक तरह से वो नरसंहार है। बिल्कुल सही है, मैंने पहले कहा कि भाषा अगर ख़त्म होती है तो तहजीब ख़त्म हो जाती है, कल्चर ख़त्म हो जाता है, संस्कृति ख़त्म हो जाती है, इसलिए भाषा, चाहे कोई भी भाषा हो, उसका कायम रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक संस्कृति छुपी हुई है, और
वो जो भाषा है वो भाषा बोली से होकर जब भाषा तक आती है तो उसको सदियों लगते हैं। इसलिए बोली हो या भाषा हो, ये जो है हमारी एक दो दिन की नहीं, सदियों पुरानी तहजीब है, संस्कृति है, कल्चर है, एक दो दिन का नहीं। और अगर वो भाषा ख़त्म हुई तो हमारी जो सदियों पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी जो तहजीब है और उसके पीछे जो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उन मेहनत कश है, तो उनके श्रम भी उसमें। हाँ बिल्कुल सही। कोई भी जबान जो बनती है पहले वो बोली होती है। बोली में जबान में फ़र्क है कि बोली सिर्फ बोली जाती है, लेकिन वो बोली जब कागज़ पर आ जाती है, लिखी जाती है, तो लिटरेचर बनता है, तब वो जबान कहलाती है, वरना वो पहले डायलेक्ट है, भाषा है। लेकिन फिर भी दुनिया में जो है आज हम देखेंगे कि जो इंग्लिश भाषा है उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहकर जो साम्राज्यवादी है, तो वो एक तरह से मैं कहूँगा कि ये इनका दहशतवादी है भाषा का। बात ऐसी है, देखो सांस्कृतिक दहशतवादी। मैं बता दूँगा कि अंग्रेजी में जो लिटरेचर है वो बहुत रिच है। अंग्रेजी में साइंस और टेक्नोलॉजी की जो किताबें हैं वो बहुत रिच है। अगर हम ये कहते हैं कि वो साम्राज्यवाद फैला रहे हैं, या अगर हम कहते हैं कि वो अपनी भाषा के जोर पर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, ये इलाकाई जबानें हैं, प्रांतिक भाषाएं हैं, या आदिवासी के बीच जो उपाने हैं, ठीक है, तो इन्होंने अभी आदिवासी दशक जो है भाषाओं का, आदिवासी दशक भी घोषित किया है ताकि आदिवासी संस्कृति बचे। तो मेरा कहना यह है कि आपको चाहिए कि आज के ज़माने के हिसाब से कोई भी भाषा हो, आप उसमें सिर्फ कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा जो लिटरेचर है वो बहुत रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया, दौलतमंद हो गया। उससे काम नहीं चलेगा। आज साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हमको हमारी भाषा को उसके लिहाज से चलाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाई मराठी भाषा में या उर्दू भाषा में या गुजराती भाषा में हायर एजुकेशन दो, लेकिन उसके लिए किताबें कहाँ हैं? किताबें तो इंग्लिश में हैं, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज में वो किताबें लिखी नहीं है। ये भाषा शास्त्री का ये भी कहना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कम से कम मातृभाषा में होना चाहिए। एक माहिर तालीम का नहीं, एक एजुकेशनिस्ट का नहीं और एक भाषा शास्त्र का नहीं, जितने भाषा शास्त्र हैं, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने माहिरीन तालीम है, मुत्तफ़िका राय से यूनानिमसली उनका कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चे की उस जबान में होना चाहिए जिस जबान में उसने अपनी माता का दूध पिया है, बिल्कुल, यानी उसकी मादरी जबान में होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे पास जिनके घरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती, जिनके माँ बाप अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो तो फैशन के लिए अंग्रेजी में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को डालते हैं और बच्चा तीसरी चौथी में जाने के बाद फिर उसका दिमाग काम नहीं करता, तो उसके माँ बाप फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, उनकी जो मातृभाषा है वो स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे को ले लो। अब वो बच्चा ना इंग्लिश का रहता है ना उसकी मातृभाषा का रहता है। इसलिए मेरा कहना ये है, या मेरा 40 साल का जो टीचिंग का तजुर्बा है वो ये कहता है कि अपने बच्चे को आप मातृ जुबान में पढ़ाओ। हाँ,